सो हे गाइस, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, दिन की शुरुआत आप देख सकते हैं कहाँ से हो रही है। क्योंकि गाइस, मैंने जैसे आपको बताया था ना कल की वीडियो में, दर्द हो गया था दोबारा से कैविटी में, तो ये कुछ दवाइयाँ मिली हैं। दवाइयाँ वाइयाँ लेके फटाफट दवाइयाँ खाते हैं यार। एक्चुअली हुआ क्या है गाइस, मेरे जो ये है ना, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रही होगी स्वेलिंग है थोड़ी सी। गाइस, जो मैंने फिलिंग कराई थी ना, उसी में मतलब दर्द हुआ था रात, और उसके बाद ये स्वेलिंग से हो गई। अभी चेक करा के आया हूँ मैं, तो डॉक्टर ने कहा है कि इन्फेक्शन हो जाता है ऐसा कई बार, अगर RCT करानी पड़ेगी, अदरवाइज अभी दवाइयाँ दी, दवाई से सही हो गया तो ओके, अदरवाइज RCT ही इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है। अभी दवाइयाँ ली हैं, सिर दर्द हो रहा, दवाई लेके सोते हैं फटाफट। थोड़ा सा ना सिर दर्द हो रहा है, क्योंकि इस वजह से थोड़ी सी नींद लेते हैं। और रही बात प्रैक्टिस की, तो भाई सुबह तो मैं उठ नहीं पाया था, क्योंकि मैं सो ही नहीं पाया था, मतलब पूरी रात बड़ी मुश्किल से सोया हूँ मैं। बस प्रैक्टिस देखता हूँ यार, जा तो पाऊँगा नहीं मैं आज प्रैक्टिस करने, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द है, मतलब कुछ खाने में मुँह खोलने में ना दर्द होता है, हाँ तो पूरा। तो अभी सोते हैं पहले, फिर शाम को उठ के देखता हूँ, छत पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लूँगा 45 मिनट, ताकि हमारा जो चैलेंज है वो ब्रेक ना हो बस इसलिए। ठीक है भाई, भोगी सिंह वेयर आर अदर्स? यस, वहीं बैठे रहिए, वहीं रुकिए, वहीं रुकिए, वहीं मिलेगा। मूली पूली खाना खाते हैं, जो पनीर रे खाएंगे। जब दिखाता हूँ, ये मटरी पहले खाएंगे और ब्रेड बाद में, वैसे इन्होंने ख़त्म ही कर दी हैं। देखो ये देखो, कहा था ना मैंने ब्रेड बाद में खाएंगे, मटरी पहले। क्रंची क्रंची आई थिंक बढ़िया लगती होगी। ये और कहाँ हैं? ब्रेड, दूध और बिस्किट, क्योंकि खाया नहीं जा रहा ना, इस वजह से यही खाना पड़ रहा। सो गाइस, अभी जस्ट मैंने बुक रीडिंग जो है कंप्लीट कर ली है। बुक रीडिंग में गाइस आज हमने क्या पढ़ा, आपको बेसिकली मोटी मोटी चीजें बता देता हूँ। एक तो हमने MPI एंड एलिवेशन पढ़ा, उसके अलावा रेंज प्रोसीजर और सेफ्टी प्रिकॉशंस, ट्रिगर कंट्रोल, फायर एंड शॉट, उसके बाद एमिंग, लोडिंग अनलोडिंग, पोजीशन एंड होल्डिंग, किस किस पोजीशंस में किसने तरीके की पोजीशंस होती हैं फायरिंग की, और उन्हें किस तरीके से जो है, मतलब किस तरीके से वो पोजीशन ली जाती है, ये मेन मेन चीज़ें जो हैं आज हमने पढ़ी है। और एलिवेशन भी इसमें मुझे एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा, मतलब एक मेन पॉइंट लगा, क्योंकि जब भी हम फायर करते हैं ना, तो अगर उसका बट ऊपर नीचे होता है, मतलब करेक्ट पोजीशन में नहीं है करेक्टली फायर करते टाइम, तो या तो जो आपका बुलेट है वो या तो ऊपर लगेगी टारगेट के, जहां आपने एम करा उसके ऊपर लगेगी या नीचे लगेगी। तो ये गाइस बट की वजह से, मतलब अगर करेक्टली आपने बट को नहीं होल्ड किया हुआ तो होता है ये मेन तो यही था आज का, ये पढ़ लिया मैंने। और गाइस, एक्सरसाइज वगैरह मैंने कर ली थी ऊपर जाके, थोड़ी देर अंधेरा हो गया था तो मैं शूट नहीं कर पाया कुछ, शूट करा था मतलब वो कुछ आया नहीं वीडियो में, मतलब क्लियर नहीं दिख पा रहा था, तो वो मैंने लगाया ही नहीं है इस वजह से वीडियो में। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है, अच्छे से कुछ ज़्यादा नहीं करा, बस 45 मिनट मैंने एक्सरसाइज करी है नॉर्मल, जस्ट बिकॉज हमारा चैलेंज ब्रेक ना हो। और गाइस, कुछ दिनों से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें आ रही हैं चैलेंज करने में, बट कोई नहीं, 75 डेज से पहले हम इसे नहीं रोकने वाले, करते रहेंगे। अब पानी पी के आज के सारे टास्क को जो है ख़त्म कर देते हैं फटाफट। उसके बाद गाइस, मुझे एडिट भी करनी है वीडियोस डालने के लिए आपको, ताकि मिल पाए डेली, वो भी दो दो वीडियो एडिट करनी पड़ती है यार, दो दो, मतलब पहले इस वीडियो को एडिट करो पूरी, टोटल इसकी लॉन्ग वीडियो बनाओ, उसके बाद उसमें से कट्स लगा लगा के उसमें ढूंढो क्या क्या तुम्हें आपको दिखाना है, उसको शॉर्ट वीडियो बनाओ, उसके बाद उसको उसका रेशियो सही करो, मतलब स्क्रीन रेशियो जो है ना 16:9 से चेंज करना पड़ता है। ठीक है भाई, जो भी है, हम फटाफट पानी पी के आज के सारे जो टास्क हैं खत्म कर देते हैं। पानी 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 पानी
तो गाइस इसी के साथ आज के सारे टास्क जो है खत्म होते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। हम मिलते हैं आपको कल जो भी डे चल रहा है उस डे में। बाय गाइस।